नमस्कार साथियों, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे पासपोर्ट से रिलेटेड। जी हाँ भाई, 99.59% लोगों के पासपोर्ट कंपनियों के पास होते हैं या आपके मालिक के पास होते हैं, आपका नियुक्ता, आपका रिस्पॉन्सर, उनके पास पड़े होते हैं आपके पासपोर्ट। क्यों भाई, पासपोर्ट आपका, संपत्ति आपकी क्यों पड़े होते हैं? अब आप लोग बोल सकते हैं वीज़ा कंपनी ने लगाया तो एहसान किया है क्या? कंपनी ने वीज़ा लगाया तो अपने स्वार्थ के लिए लगाया है। आप पे कंपनी ने 1,00,000 रुपये खर्च किया है तो आपसे 2 साल में वो कितने कमाएगी? 15 से 20 लाख एक कैंडिडेट से कमाती है वो, तो कोई एहसान तो नहीं किया। इसी से रिलेटेड बात करेंगे, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कंपनी बता दूं इतना भयंकर तरीके से षड्यंत्र रच सकती हैं, हालांकि सब कंपनियां तो नहीं करती, सबको ही पता है, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपको एक केस के माध्यम से मैं समझाऊंगा कि ये केस आपके साथ हो सकता है कि आपको एक कंपनी इतने भयंकर तरीके से परेशान कर सकती है कि वो आपको चक्कर पे चक्कर लगवा सकती है और आपके ऊपर कर्जा भी हो जाएगा, कर्जा भी लाखों दराम में जा सकता है। कैसे जा सकता है, डिटेल से वीडियो जानिए। और पासपोर्ट कंपनी अपने पास नहीं रख सकती, ये भी इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे पुख्ता एविडेंस के साथ में, कोर्ट जजमेंट के साथ में बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिए भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक बात करेंगे केस के माध्यम से। एक इंडियन बंदा था, बता दूं कंपनी ने उनके साथ ऐसा षड्यंत्र रचा कि आप सोच नहीं सकते। कंपनी, बंदा काम कर रहा था कंपनी में काफ़ी टाइम से, बेचारा क्लीनर था भाई, साफ सफाई वाला, ठीक है जी। जैसे ही उनको 2020 का मैटर है, तनख्वाह कम हुई, कंपनी ने मना कर दिया तनख्वाह नहीं देंगे, तो उसने बोला कि ठीक है मेरा पासपोर्ट दे दो, वीज़ा कैंसिल कर दो, मैं घर जाना है मुझे। तो वीज़ा कंपनी बोली है ठीक है हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कराने से पहले बंदे से साइन करवा लिए कि तेरा वीज़ा साइन कर दे, कैंसिल करके तुझे पासपोर्ट दे देंगे। अब बंदे ने साइन कर दिए बेचारे ने, उसको विश्वास था ना कि कैंसिल पे साइन होंगे तभी तो पासपोर्ट देंगे ना वीज़ा कैंसिल करके। अब बंदे ने क्या किया, साइन कर दिया, साइन करने के बाद में उसको पासपोर्ट नहीं दिया गया, उसका वीज़ा कैंसिल हो गया। अब वीज़ा कैंसिल होने के बाद आपको पता है 2020 में ये नियम था कि भाई आपको 1 महीने में या वीज़ा चेंज करो या फिर दुबई छोड़ दो वरना फाइन स्टार्ट हो जाएगा आपको। उसको 20 दिन बाद में पता लगा कि हमारा वीज़ा कैंसिल हुए तो 20 दिन हो गए, अभी 10 दिन बचे हैं फिर तो फाइन स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी ने उनको, उनसे पासपोर्ट मांगा, बंदे ने कि कंपनी से भाई मेरा पासपोर्ट दो, जो कंपनी के अधिकारी होते हैं, बोला कि सीनियर अधिकारी के पास जाओ, सीनियर अधिकारी बोलता है कि हम आपका पासपोर्ट कोर्ट में पड़ा है। मतलब इस तरीके से बेचारे को बेवकूफ़ बनाया गया। तो उसने फिर क्या किया कि उसने कंप्लेन कर दी पुलिस खिलाफ, पुलिस में, कि मेरा वीज़ा कैंसिल होने के बाद अगर कंपनी पासपोर्ट नहीं देती है तो डायरेक्ट आप लेबर कोर्ट में जाके पुलिस में केस कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ में, आपके नियुक्ता है, आपका मैनेजर है, जो भी है उनके खिलाफ में। जी हाँ, तो कंपनी ने उनको फ़ोन किया कि भाई इनका पासपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हो जब वीज़ा ही कैंसिल हो गया, क्योंकि उनको पता लग गया ना वीज़ा कैंसिल होता है तो ऑनलाइन पूरा रिकॉर्ड रहता है। तो उन्होंने आपको पता है पुलिस का फोन जाता है तो एकदम बिल्ली भिगी बिल्ली बन जाते हैं ये कंपनी वाले, बोलता है जी 2 दिन में पासपोर्ट आपका दे देंगे। 2 दिन में फिर उसका पासपोर्ट नहीं मिला तो बंदा बेचारा फिर पुलिस में वापस थाने में गया, पुलिस स्टेशन में, फिर उधर से कॉल किया गया तो फिर उनको जवाब ये दिया गया कि इनका पासपोर्ट कोर्ट में पड़ा है, कोर्ट जाना पड़ेगा। तब उसको झटका लगा कि यार ये कोर्ट का क्या मैटर हो गया भाई, पासपोर्ट कैंसिल इनको करना था, कोर्ट का क्या है। फिर बंदा कोर्ट में गया, वहाँ पे जाके पता लगा कि उसका पासपोर्ट वहाँ पे जब्त कर लिया गया कोर्ट में। अब जब्त क्यों हुआ, अब ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है कि भाई ये इतना बड़ा मैटर क्या हो गया कि उसको कोर्ट में जब्त हो गया उसका पास। बाद में उसने अपनी रियलिटी में बताया कि आज से 1.5 साल पहले कंपनी ने कोई साइन करवाया था मेरे से, ठीक है जी, और उसमें मैंने साइन कर दिया था, वो साइन विश्वास में आके कर दिया। भाई आप रात दिन जिनके पास काम करते हैं, कोई बोलता है भाई कंपनी का मालिक जो बड़ा सीनियर अधिकारी और बेचारा वर्कर यार क्लीनर, तो बेचारे की औकात कितनी होती है, साइन कर दिए। साइन किए तो भाई साइन उन्होंने वो इलीगल तरीके से करवाए थे, कंपनी का कोई ऐसा प्रोसेस था लोन से रिलेटेड, जी हाँ कर्जे से रिलेटेड ऐसा कोई था, उसमें उसको पार्टनर बना लिया गया। जी हाँ, अब कंपनी अगर उसको पासपोर्ट देती है तो पासपोर्ट आपको पता है उसको देते ही वो तो इंडिया आ जाता या अपने देश आ जाता। तो अब उसका कंपनी के साथ कोई ऐसा कुछ चक्कर था कि उनका पासपोर्ट भी डायरेक्ट कहाँ चला गया, कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट ने जमा कर लिया कि भाई लेनदारी है उनके खिलाफ में, कंपनी ने एक्शन लिया ना, फिर कंपनी ने ही एक्शन ले लिया कि इसको हम पासपोर्ट कैसे दें, इसके खिलाफ में तो लेनदारी पड़ी है, कर्जा पड़ा है इसके खिलाफ में। फिर उन्होंने पूरा माजरा देखा, सोचा, समझा। यहाँ पे समाधान क्या है भाई इन चीज़ों का पूरा का, आपको भी इनमें ध्यान देने की बातें हैं कि कोई भी माइका लाल, राजस्थानी में बोलते हैं भाई, इंडिया में भी बोलते होंगे ये वर्ड, तो इंडिया में भी चलता है, कोई भी माइका लाल
चे आपके 1 लाख दराम मांगता है, चे 5 लाख दराम मांगता है। पैसों के पेटे आपकी कंपनी, आपका मालिक, आपका नियुक्ता, आपका दोस्त, आपका कोई भी जिनसे आपने पैसे ले रखे हैं, आपका लेनदार है, वो आपका पासपोर्ट अपने कब्जे में नहीं रख सकता। ये दुबई का कानून बताता है, इन चीज़ों को ध्यान में रख लीजिए कि कोई आपका पासपोर्ट इसलिए रखते कि तेरे पैसे मांगता हूँ, तू मेरा हिसाब करेगा, मेरे पैसे देगा तब तुझे पासपोर्ट दूंगा, बिल्कुल इलीगल है। उसके ऊपर सीधा सीधा मुकदमा बनता है भाई। जी हाँ, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आपको किसी भी देश में किसी कहीं पर भी सफर करने से रोका नहीं जा सकता, चाहे कंपनी आपके 20,000 दराम मांगे, चाहे 20 लाख दराम मांगे, कंपनी भी आपको नहीं रोक सकती, पासपोर्ट देने से मना नहीं कर सकती कि हम तेरे पैसे मांगते हैं इसलिए तू पैसे दे, फिर तुझे पासपोर्ट मिलेंगे। जी हाँ, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। हाँ, ये प्रोसेस हो सकता है, कैसे होगा ये बता दूं, पासपोर्ट भी आपका रोका जा सकता है, वो इसलिए कि वो जिनके आपका लेन देन है वो पासपोर्ट नहीं रोक सकता, वो फिर कोर्ट में अपील करेगा आपके खिलाफ में कि मेरा इनके साथ इतना लेन देन है, ये एविडेंस है, ये सबूत है, ये हमारे लिखित में एग्रीमेंट हुआ है। तो ये बंदा जैसे ही मैं पासपोर्ट दूंगा तो ये बंदा बाहर भाग जाएगा अपने देश में, जैसे इंडिया से गए भाई अपने करोड़पति काफ़ी सारे भागे हैं, सेम वही कंडीशन है, तो भाग जाएगा। तो सक्षम न्यायालय प्रोसेस के द्वारा आपके पासपोर्ट को जब्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 188/2020 के एक्ट में बताया गया, 33 जो एक्ट है, कानून बना हुआ 33 नंबर में, कि भाई सक्षम न्यायालय द्वारा आपके पासपोर्ट पे जब्ती का आदेश दिया जा सकता है। पासपोर्ट आपका, पासपोर्ट कोर्ट में जमा हो सकता है, इसके अलावा आपका, आपके साथ वाले कंपनी, वो आपका पासपोर्ट जब्त करके नहीं रख सकते। जी हाँ, डायरेक्ट आपका लेनदार या आपके जिसके साथ व्यवहार है, जिनका पैसों का लेन देन है या अन्य कोई भी रीजन है, वो डायरेक्ट ये कार्रवाई नहीं कर सकता है। जो सिविल प्रक्रिया के तहत बता दूं, एक्ट 329 के तहत ये पूरा प्रोसेस बताया गया है, चाहे वो भले आपके पैसे मांगे, पैसे चाहे लाखों दराम में मांगे, हजारों में मांगे, आपका कोई भी लेन देन हो, उनको अधिकार नहीं है। आप फिर भी अगर पासपोर्ट रोकता है तो आप उनके खिलाफ में कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस कोर्ट उसको आदेश देगा भाई इनका पासपोर्ट दिया जाए। फिर भी अगर वो आदेश नहीं मानता है या आपका कॉल अटेंड नहीं करता है, आपको गुमराह करने की कोशिश कर सकता है, तो आप बाकायदा कोर्ट में दोबारा खड़े होकर आप ये बता सकते हैं कि कोर्ट को अमान्य किया, कोर्ट के कानून की जो उनको आदेश दिया गया है उसकी अवहेलना की जा रही है, तो आप उनके खिलाफ में अरेस्ट वारंट भी कोर्ट से निकलवा सकते हैं, और उसके कंपनी का मालिक हो या आपका पासपोर्ट जिसने भी रोक सकता है उसको आप गिरफ्तार करवा सकते हैं। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी साथियों, पासपोर्ट कोई माइका लाल आपका रोक नहीं सकता, सिर्फ कोर्ट आपका पासपोर्ट अपने पास जब्त कर सकता है। और कोर्ट जब पासपोर्ट जब्त करता है तो कोई ऐसे तो नहीं कर सकता, बहुत उसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई, ऐसे तो हर कोई सबके पासपोर्ट जब्त करवा देगा। इस बात का ध्यान रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर पासपोर्ट कोई रोक सकता है तो आप लीगल एक्शन लेने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।